हेलो पेरेंट्स, वेल्कम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम आज के समय में अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और ये जो फ्रूटी हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो कि हम अपने बच्चे को रेगुलर बेस पर या एक दो दिन बाद देते ही रहते हैं। चॉकलेट्स है, फ्रूटी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए डेंजरस होती हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, कभी ना कभी हम गर्मियों के समय में अपने फ्रिज में लाकर ये रखते हैं, गैस के लिए पेप्सी है, कोका कोला, इस तरीके की चीज़ें, बच्चे इनको भी इनटेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आपने देखा होगा इनके बारे में लोगों को बात करते हुए कि कितने हाई रिस्क होता है यदि हम ये अपने बच्चे को पिला रहे हैं। तो आज हम वन बाय वन करके बात करेंगे कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम आपके बच्चे को फेस करनी पड़ती है यदि आपका बच्चा ये पी रहा है। देखिए, आपको फ्रूटी जैसे ऐसे ही जो बच्चों के लिए जूस वाली पैकेट वाले मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, जो कि कब के बंद पड़े हुए रखे रहते हैं और इस समय कोई भी उनको चेक भी नहीं करता कि एक्सपायरी है, यानी बस ले आते हैं और बच्चे पीने लग जाते हैं। उनमें कीड़े पड़े हुए होते हैं और प्रॉपर तरीके से वो केमिकल होता है, कुछ भी नहीं होता और हेल्थ के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं मिलता, इतनी सारी शुगर उसमें डाली जाती है। अगर ये बच्चा आपका पी रहा है, हफ्ते में दो तीन बार भी पी रहा है, तो आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इतने एसिडिक होते हैं कि जब बच्चा इनको पीता है और पीने के बाद जो गैस बनती है वो बच्चे की माउथ में आकर बच्चे के जो दांतों को वो ख़राब करती है। बहुत जल्दी टूट की प्रॉब्लम, जो बच्चे के दांत गिरने लगते हैं, बच्चे का जो इनेमल है उसको ख़राब करता है। बच्चा कुछ भी खा रहा है वो बच्चे के मुंह में लग रहा है, प्रॉपर तरीके से बच्चा खाना नहीं खा पाता है क्योंकि टूथ डिके हो रहे हैं, कैविटी हो रही है, इनेमल घिस रहा है, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं खा पाता। तो ये बहुत हाईली एसिडिक होते हैं, तो ये हमें नहीं देना। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे, इनमें बहुत हाई लेवल की शुगर ऐड की जाती है जिसमें कि आपके बच्चे को हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा मस्ती मौज करते हैं, तो ये एक हाइपर एक्टिव बच्चे के साइन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा एक्टिव है, जी नहीं, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहा है। आप नोटिस करिए कि कहीं आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी वगैरह मार्केट में ये आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो ये एक बिग रीज़न है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपको नहीं देना। तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली कार्बोनेटेड होते हैं जो कि आपके बच्चे के पेट में गैस बना सकते हैं, बच्चे को गैस हो सकती है, बिल्कुल भी आपके बच्चे को ये सूट नहीं करेगा, बच्चे को चक्कर आ सकते हैं और बच्चे को वॉमिट भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो हाईली कार्बोनेटेड ऐसी चीज़ें हैं अपने बच्चे को हमें नहीं देनी है। कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें मिलाई जाती है जिसमें बच्चे को नींद नहीं आती, बच्चा पूरा दिन मस्ती मारता रहता है, एक जगह नहीं बैठता है, बच्चा बिल्कुल किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, नींद अच्छी नहीं होती है, जागता रहता है, प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं करता है वो, तो ये भी एक आपके बच्चे के लिए एक डेंजरस साइन है। तो प्लीज़, अगर आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहा, हर वक्त वो इधर उधर रहता है, कोई भी काम करने के लिए कह रहे हैं वो नहीं कर रहा, वो अटेंशन नहीं दे रहा आपकी बातों पर, फोकस नहीं कर रहा, स्टडी पर फोकस नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चा चीज़ों से बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहा है, उसकी बॉडी में ये सारी चीज़ें जा रही हैं जो कि आपके बच्चे को एलर्जी भी करेंगी, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम करती हैं। अगर आप ये बच्चे को दे रहे हो तो बच्चे को एलर्जी भी होती है, एलर्जी भी आपके बच्चे के शरीर पर दाने दाने हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये एलर्जी भी क्रिएट कर सकता है। बच्चे को छोटी सी उम्र में ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, छोटी सी उम्र में बच्चे को डायबिटीज़ हो जाती है। आप देखते हो जो डायबिटीज 60-70 में हुआ करती थी, 50-60 की उम्र में हुआ करती थी, आज आपको छोटे छोटे बच्चे हाईली डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ओबेसिटी हो जाती है, बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं रहता, आपको इरिटेट नज़र आएगा, तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के वजह से ही होती हैं। तो प्लीज़, मैं एक, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, मेरी जिम्मेदारी आप तक ये इन्फॉर्मेशन देना कि आप अगर अपने बच्चे को ये फ्रूटी, सोडा, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दीजिए। आप और चीज़ें दे दीजिए बट ये चीज़ें अपने बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। अपने बच्चे का फ्यूचर बनाइए क्योंकि अभी बच्चे एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगे। आप 10-15 साल बाद देख लीजिएगा अपने बच्चे में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और बच्चे के खान पान पर बहुत ध्यान देना है आपको। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।